तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसाद अनुसानी अनावर्ती हों। अनुसानी अनावर्ती मतलब कि आवर्तन नहीं होना चाहिए उसमें, ठीक है। तो आपको पता है जितने भी सभी अपरिमेय संख्या क्या होती है, चूंकि सभी अपरिमेय संख्याएं संख्याओं का दशमलव प्रसार अनुसानी अनावर्ती होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जितने भी अपरिमेय संख्या है उनका जब दशमलव प्रसार निकालेंगे तो वो क्या होता है, अनुसानी अनावर्ती होता है। तो आप कोई भी तीन लिख लीजिए संख्याएं, कोई भी तीन अपरिमेय संख्या लिख लीजिए, उनका दशमलव प्रसार आसान तो अनावर्ती होगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो अंडर टू, ठीक है। जो अंडर टू है उसका जब दशमलव प्रसार निकालो, वर्गमूल निकालेंगे तो वो दशमलव प्रसार अशांत भी होगा अनावर्ती भी होगा, ठीक है। अशांत होगा आत रहेगा और अनावर्ती होगा कोई सिक्वेंस नहीं। अंडर थ्री, अंडर फाइव, ठीक है। पाई, तो पाई का मान 22/7 हम नहीं कह रहा हूँ, पाई का मान अलग होता है, ठीक है। ये सारी होंगे तो तीन ही लिखनी है, आप कोई भी लिख सकते हो, इनके दशमलव प्रसार क्या होंगे, अनुसानी अनावर्ती होंगे। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, अनुसानी लिख भी सकते हो आवर्ती वाले, जैसे 0.10100। देखो रिपीट तो हो रहा है यहाँ पे ना, लेकिन देखो पहले 10 है फिर 100 है, ये रिपीटिंग वाले नहीं है ना, तो फिर क्या आएगा 1000, 30 बढ़ा दो फिर 1, इस टाइप से आएगा। तो अनुसानी अनावर्ती है, देखो आवर्तनी है, 10 है फिर 100 है, जबकि 10 का आवर्त होता ना, नहीं तो, तो ये इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि यहाँ पर रिपीट तो हो रहे हैं, 1 और 0 रिपीट हो रहा है आपका होगा, लेकिन देखो 10 है फिर 100 है फिर ये, तो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो अनुसानी अनावर्ती हैं, ठीक है। आते रहेंगे लेकिन किस क्रम में, क्रम तो है लेकिन फिक्स क्रम नहीं है, आवर्त नहीं है, ठीक है। ऐसे दूसरा लिख सकते हो आप 5.05005005, इस टाइप से लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 0.73007703000703000000 इस टाइप से आप लिख सकते हो। तो ये तीन संख्याएं ये भी हो सकती हैं, ठीक है, जिनका दशमलव प्रसार कैसा है, अनुसानी अनावर्ती है, मतलब इनके ऊपर बार नहीं लगा सकते हम, बार लगाने का मतलब होता है कि आवर्ती है, ठीक है, क्योंकि उनका रिपीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखो 7300 आ गया, तो इसलिए बाहर नहीं लगा सकते हैं, तो ठीक है। तो इस टाइप के अपरिमेय संख्याएं सारी क्या होती हैं, अनुसानी आवर्ती वाली अनावर्ती वाली होती है, ठीक। तो इसको देख लेंगे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है परिमेय, 8वां क्वेश्चन होगा, ठीक है। परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, क्या करनी है हमें, अपरिमेय संख्याएं। इसी प्रकार की तुमने परिमेय संख्याएं भी निकाली होंगी इनके बीच में, उसकी मेथड अलग होती है। अपरिमेय संख्याएं बहुत सरल होती है निकालनी, कैसे, सबसे पहले हम इनके जो दशमलव प्रसार है वो देखेंगे, दशमलव प्रसार अगर हमें पता चल जाता है तो उनके बीच के हम कुछ अपरिमेय संख्याएं लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने दशमलव प्रसार निकालना है तो क्या करूँगा मैं, 5 को 7 से डिवाइड करना है, 0 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर 5 है छोटा है, तो इसलिए तो 7 × 7 = 49 हो जाता है, ठीक है, 49 बचा, ठीक। अब भाग नहीं किया, फिर 0 लगा सकते क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लगा रखा है, 7 × 7, ठीक। फिर देखते हैं कितना बचा, 3, तो भाग नहीं किया, दशमलव लगा है इसलिए 1 0 बढ़ा सकते हैं, 7 × 28, ठीक। फिर बचा 2, फिर भाग नहीं किया, 0 लगा सकते हैं, 7 × 14, ठीक। फिर कितना बचा, 6, फिर भाग नहीं किया, 0, ठीक है, 56 हो गया। फिर कितना बचा, 4, फिर भाग नहीं किया, 0, ठीक है। फिर कितना, 7 × 5 = 35, फिर कितना बचेगा, 5। अब देखो रिपीट होने लग गया है, 5 पहले भी था ना, 5 फिर दोबारा आ गया, तो फिर कितना, 0 लगा दो, फिर वही जाएगा, 7 × 7 = 49, फिर कितना बचेगा, 1, वही रिपीट होने लग गया, मतलब कि 7 आया फिर 1 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, इस टाइप से जाएगा, मतलब कि यहाँ पर से रिपीट हो गया है, पुनरावृत्ति होगी इसकी, ठीक है। तो ये यहाँ पर से रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या आया, मैं इसको लिख सकता हूँ 0.714285, फिर रिपीट हो रहा था वो, तो 714285 रिपीट हो रहा था, तो इसलिए मैंने इसको बार लगा दिया यहाँ से,
ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही इसका निकालते हैं, इसका कैसे निकालेंगे, 9 से हमको क्या करना है, सॉरी 11 से 9 में डिवाइड करना है, तो भाग नहीं जाता तो दशमलव लगा दे, इधर जीरो बढ़ा दो, 11 8 88 हो गया, बचेगा कितना 2। ठीक है, फिर भाग नहीं किया, जीरो लगा दो, 11 1 11, फिर बचेगा कितना 9। तो देखो रिपीट होने लग गया ना, पुनरावृत्ति होने लगी, यहाँ पे पुनरावृत्ति होने लगी, तो हम क्या करेंगे इसको, फिर वही आएगा, देखो 9 में जीरो लगाऊंगा, फिर 8 1 8 1 8 1 आएगा, तो ये 8 1 इस टाइप से आते रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 0.81 के ऊपर बार। अब मुझे इन दो के बीच में, इन दो संख्याओं के बीच में अपरिमेय, अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, वो भी 3 लिखनी है, बहुत सारी लिख सकते हैं, बहुत सारी ढेर सारी असंख्य लिख सकते हैं, लेकिन 3 ही लिखनी है मैंने, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इससे कम नहीं होना चाहिए, उनके बीच में होना चाहिए। तो कोई भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ 71, दो अंक ले लो, 71 है, यहाँ 81 है, तो 71 और 81 के बीच में तो बहुत डिफरेंस हुआ ना, 72 हुआ, 73 हुआ, 74 हुआ, 75 हुआ, बहुत ही हुए। तो मैं लिखता हूँ 5/7 व 9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, वैसे वाली लिखनी मैंने। तो मैं लिखूंगा देखो 0.71 है ना, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 72, फिर उसके बाद 0.02, 0.02, 0.02, 0.02 इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि देखो पहले अंक देखो 72 1 से तो ज़्यादा ही है ना, इससे तो 7 1 से ज़्यादा ही है, 72 है तो, और इससे कम है देखो 8 1 है तो 8 1 से कम। ठीक है, यह इसके बीच की संख्या होगी, कोई ना कोई इसके बीच की संख्या होगी, तो मैं इस टाइप से लिख दिया है। ठीक, दूसरे लिखने अब देखो यहाँ पर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 इस टाइप से बना दिया हमने, बना दिया, ये बनाना पड़ेगा इस टाइप से आपको। दूसरा क्या लिख सकते हो आप, 7 3 लिख सकते हो, ठीक है, 0 0 3 0 0 0 3, अब यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है, 3 की जगह रिपीट करना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेम रिपीट नहीं होना, 3 0 है 4, ये इस टाइप से। ठीक, नेक्स्ट लिख सकते हो आप, 7 5 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, 1 0 भी लिख सकते हो, देखो पहले 1 0 लगाया, फिर 5, फिर 2 0 लगाई, 5 3 कुछ भी लिख सकते हो इसमें, फिर 5, फिर 3 0 लगा दो, फिर 5, फिर 4 0 लगा दो, इस टाइप से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आते रहेगा आपको। तो ये 3 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार अशांत भी है और अनावर्ती भी है, आवर्ती नहीं होना चाहिए, देखो आवर्ती नहीं है, कोई दो रिपीट नहीं हो रहा है, कोई 2 0 है तो फिर 3 0 है तो रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से लिख सकते हैं, तो ये 3 अपरिमेय संख्याएं होगी, बहुत सारी लिख सकते हो आप, लेकिन 3 पूछे हैं तो हम 3 ही लिखेंगे, तो इस टाइप से करना है इसको।